पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी है तो ये आपके लिए एक तोहफा है। विब्रोमाइसिन, लाइजोविक, जेटीपार, स्पार्क और नेलस्टिट ड्रॉप। ठीक है, आप रिकमेंड कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैंने वैसे कभी यूज़ नहीं किया। एक बहुत बड़ी बीमारी है सोकड़ा, ठीक है, बर्ड, एक एवियन प्रोडक्ट है उसका नाम स्पार्क, वो हर शेड में होना बहुत जरूरी है। राइट जी, एवियन प्रोडक्ट भी ट्रिपल सी के नाम से आती है। राइट, ट्रिपल सी जो है वो कुरेजे में भी इस्तेमाल, फिर आपने अगर बर्ड को ऑब्जर्व करना है तो उसकी जो आई बॉल है वो राउंड से वी शेप का होना चाहिए। रजिस्टर्ड वेटरनरी मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ मैं, RVMP जिसे कहते हैं, अब MPhil भी कर रहा हूँ लेकिन मैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नेटवर्क फार्मिंग के साथ आपका होस्ट डॉक्टर वकास हाजिर खिदमत है। जी फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सर ने एक बिजनेस आइडिया छोटा सा दिया था आपको, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी उसने, कोई आपको सबल बाग नहीं दिखाए थे, आपको एक वैलिड इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें से आप मतलब ये है कि अच्छे अच्छे पॉइंट अपनी ज़िंदगी का निचोड़ इन्होंने बताया था। तो यार, एक बंदा आपको अपनी ज़िंदगी का निचोड़, अपने तजर्बे का निचोड़ बता रहा है तो फिर भी आप उसको सपोर्ट ना करें तो ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है। तो आज ना सर से लव बर्ड्स में जो इन्होंने मेडिसिन यूज़ की थी ना, वो उनसे पूछेंगे कि सर इनका एक्सपीरियंस है, एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी लगा के तजर्बा किया। अब डॉक्टर इनसे सीखते हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं इनसे सीखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई इतना बड़ा डॉक्टर, मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड वेटरनरी मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ मैं, RVMP जिसे कहते हैं, अब MPhil भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं सर से सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर का तजर्बा है, तो सर आज अपने तजर्बे से बताएं कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ हो रही है इसमें। लेकिन हर चार पांच मेडिसिन कहते हैं बदनाम ज़माना होती हैं, चार पांच मेडिसिन ऐसी होती हैं हर बंदा उसको यूज़ करता है। आप क्या कुछ मेडिसिन के नाम बता सकते हैं कि हर बंदा डॉक्टर को तो अप्रोच नहीं कर सकता, फिर आपका तजर्बा भी है, गहरी बात है, तो आप चार पांच जो मेडिसिन मेन है ना उनका बताएं, उसका यूसेज बताएं कि कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, ताकि ना हमारे व्यूवर्स को जो परेशानी है वो काफ़ी हद तक जो है ना हेल्प हो जाएगी। सबसे पहली बात ये कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही बस एक एक्सपीरियंस के बिहाफ में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अपने बर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट किया या दोस्तों को मशवरा दिया और दोस्तों को फ़ायदा हुआ वो चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये, फर्स्ट जनरेशन की जो एंटीबायोटिक होती है, जैसे बर्ड को बर्ड ढीला हो गया है, बर्ड फ्लोर पे आके बैठ गया, बर्ड की बीमार होने की ना चंद निशानियाँ होती हैं, बर्ड जब बीमार होगा तो वो स्टिक से नीचे फ्लोर पे आके बैठ जाएगा। राइट, और फिर आपने अगर बर्ड को ऑब्जर्व करना है तो उसकी जो आई बॉल है वो राउंड से वी शेप का होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। जी, बीमार होने वाले बर्ड का जो आई बॉल है ना, आम बर्ड्स की आई गोल होगी, लेकिन उसका आई जो है ना वो फैलना शुरू हो जाएगी। राइट, उसके बाद जो है उसके परों की शाइन खत्म हो जाएगी, रूखापन आ जाएगा उसके फीडर्स में। आप एक सेहतमंद बर्ड को देखेंगे और बीमार बर्ड को देखेंगे ना, तो बीमार बर्ड के जो फीचर्स हैं वो रूखे होना शुरू हो जाएंगे। जी जी, तो फिर इसमें जो फर्स्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक है वो हम लोग विब्रोमाइसिन, जो इंसानों वाली दवाई है, वो रिकमेंड करते हैं। वो इस सिनेरियो में कि एक डी में तकरीबन 10-15 ml पानी आ जाता है, वो कैप्सूल का चौथा हिस्सा आपने देना है। विब्रोमाइसिन कैप्सूल को खोल लेना, उसका चौथा हिस्सा पानी में मिला के 4 घंटे के लिए आप बर्ड को दे दें। कितने पानी में मिलाना है? 1 D जो होती है पानी, जी जी, 100 ml वाटर में चौथा हिस्सा विब्रोमाइसिन का ऐड कर देना है। बर्ड को प्यासा रखना है आपने, लाइक रात को पानी निकाल देना, अगले दिन सुबह 12 बजे उसको वो पानी देना है और 4 घंटे बाद वो पानी निकाल देना है। जब आप पानी को उस डी में डाल के शेक करेंगे ना, वो येलो रंग का होगा, लेकिन 4 घंटे बाद वो पिंक होना शुरू हो जाएगा। वो पिंक होने से पहले आपने उसको निकाल लेना है, पिंक वाला पानी बर्ड्स को नहीं देना। इसके बाद जो नेक्स्ट उससे जो सेकंड जनरेशन की मेडिसिन है वो नोविडेट है। नोविडेट का जो मिलता है सस्पेंशन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, हाँ जी जी, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सेकंड जनरेशन है, इसलिए हम लोग विब्रोमाइसिन पे रहते हैं। विब्रोमाइसिन बहुत इफेक्टिव है, बर्ड बहुत जल्दी रिकवरी करता है। उसके बाद जो बहुत ही हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक आप कह सकते हैं वो एवियन प्रोडक्ट, जी एवियन प्रोडक्ट भी ट्रिपल सी के नाम से आती है। राइट, ट्रिपल सी जो है वो कुरेजे में भी इस्तेमाल होती है। वो आपको बर्ड की कोई भी समझ ना आ रही हो कि इससे क्या मसला हो रहा है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ होती है ट्रिपल सी। राइट, इसके बाद बर्ड को मोशन लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, उसमें मोशन की भी 3-4 तरह की कैटेगरीज हैं कि कई दफ़ा मोशन में आपको पता चल रहा होता है कि इसका लीवर का इशू आ रहा है, तो लीवर के लिए बहुत बेहतरीन है जेटीपार यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, वो 1 लीटर में 5 ml। अब आपने देखना है कि आपने कितना पानी यूज़ करवाना है। फिर इसके अलावा आप मोशन में इंटामिजोल दे सकते हैं अच्छी तरह पानी में शेक करने के बाद। इंटामिजोल मतलब उसमें फ्लैजल होती है, इंटामिजोल, हाँ जी। लेकिन वो फ्लैजल जो है वो ज़रा वजनी होता है, जब आप पानी में डालते हैं वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इंटामिजोल जो है ना वो नीचे नहीं बैठता, वो पानी में शेक रहता है। एक एवियन प्रोडक्ट है उसका नाम स्पार्क, वो हर शेड में होना बहुत जरूरी है। राइट, ठीक हो गया। ये इम्यून बूस्टर भी है,
और इलेक्ट्रोलाइट्स भी है। तो अगर आपका बर्ड बिल्कुल ही फ्लोर पे आ गया है और अपने आप को छोड़ बैठा है, 2 से 3 कतरे उसके मुंह में डालें और उसको हीट दें। ये जो बीमारी से रिलेटेड है ना डिस्कशन, ही बहुत ब्रॉड हो सकती है, उसमें सवाल हो तो उसके अगेंस्ट जवाब दिया जा सकता है कि ये मैंने किया था। तो इसी तरह अब आप देखें, अगर बर्ड आपको नहीं समझ आ रहा, सबसे पहले बर्ड के ट्रीटमेंट से पहले उसको हीट देनी होती है। गर्मी या सर्दी, ये दोनों डिफरेंट मौसम है। जैसे आपका मौसम है, इस टाइम बर्ड को हीट देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप मोशन में इंटामिजोल दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी है सोकड़ा, ठीक है। बर्ड को सोकड़े से कैसे रिकवर करें, इसकी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे मौजूद हैं ऑलरेडी। हर बंदे के एक अपना जो है ना फॉर्मूलाज है, लेकिन मैंने जो फॉर्मूला बनाया है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। ऐसा बर्ड जो सोकरे में जा रहा हो, उसको एक डी में विब्रामाइसिन, लाइजोविक, जैकीपार, स्पार्क और नेलसिट ड्रॉप। नेलसिट ड्रॉप वो जो बच्चों के मुंह पक जाने पे हम बच्चों को देते हैं। ये 5 चीज़ें, विब्रामाइसिन वही चौथा हिस्सा डलेगा, लाइजोविट जो है वो तकरीबन थोड़ा सा जाएगा 4 से 5 कतरे, जैकीपार के भी 4 से 5 कतरे, नेलसिट के 2 से 3 कतरे। वो बेहतरीन है अगर आप नेलसिट को ड्रॉपर में लेके बर्ड के डायरेक्ट मुंह में 2 से 3 कतरे डाल दें जी, तो उसका मुंह जो उसका अगर पका होगा वो मुंह उसका ठीक हो जाएगा। और स्पार के 4 से 5 कतरे, ये एक डी में डाल के इतना शेक कर लें और बर्ड को 5 से 7 दिन के लिए दें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो रिकवर हो जाएगा। इस दौरान बर्ड को सॉफ्ट फूड नहीं देना, आपने ग्रीन फूड नहीं देना। कॉर्न दे सकते हैं, अगर आपका बर्ड कॉर्न खा रहा है तो कॉर्न दे सकते हैं, और दाने में चीना और कंगनी, ये 2 चीज़ें दें, इंशाल्लाह बर्ड आपका रिकवर हो जाता है सोकड़े से। और दूसरा ये है कि सर 4-5 मेडिसिन ऐसी बताएं जो बीमार हो ही ना बर्ड। मतलब ये है कि प्रिकॉशन मेजर में ना ऐसी मेडिसिन ऑलरेडी हम यूज़ करवाते रहें ताकि ना वो बर्ड जिस तरह मतलब वैक्सीन होती है, तो वो कौन सी मेडिसिन है कि हम सारे मेजर्स मतलब वो करते रहें और बर्ड बीमार ही ना हो, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली बात तो ये देखें, अगर पैरामीटर आ जाए, देखें अगर हमें ना और हम ठीक हैं और हम रोज़ाना एक पैनाडोल की गोली खाने लग पड़ेंगे ना तो वो हम आदि हो जाएंगे जी, बिल्कुल। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि प्रिकॉशनली मेडिसिन दें, कोई प्रिकॉशनली मेडिसिन नहीं होती है, ना देनी चाहिए। आपकी शेड में विब्रामाइसिन, जैकीपार, लाइजोविट, ठीक है, एंटामिजोल, नोविडेट, स्पार्क, ये होना चाहिए, ठीक हो गया। एक इंटेरोजेना जो है ना वो होता है क्रीम होती है, वो होनी चाहिए। आपके टोबराडेक्स आई ड्रॉप्स होने चाहिए या बेटनिसोल एन के आई ड्रॉप होने चाहिए, राइट। और उसके अलावा स्पार्क तो मैंने आप खैर बता ही दिया, ठीक है। प्रिकॉशनली एक है रोनीविट एस, जी, मल्टीविटामिन रोनीविट एस के नाम से आता है, एवियन प्रोडक्ट है जी। ये आपने साल में हर 3 माह बाद बर्ड को करवाना होता है, ठीक है। 7 डे का कोर्स होता है, ये प्रोडक्ट आप ज़रूर लें। मैंने इस साल यूज़ किया, मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। तो हर 3 माह बाद ये यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी की रिकमेंडेशन है। कंपनी कहती है कि अपने बर्ड को 3 माह में रोनीविट एस को यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होता है। ये मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, अदरवाइज और कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं करता कि वो प्रिकॉशनली आप यूज़ करवाते हैं, ठीक है। और कुछ मल्टीविटामिन इसके अलावा? हाँ, बर्ड को ब्रीड में लाने के लिए या ब्रीड लेने के लिए ना मल्टीविटामिन और कैल्शियम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहें ना नेचुरल वे से बर्ड को ब्रीड करवाएं तो फिर हम उससे 2 क्लच ही लें तो बेहतरीन है। हम उसको हमने बनाना होता है मशीनें, 4 से 5 क्लच लेने होते हैं बर्ड्स के साथ। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सुहांजना बहुत बेहतरीन चीज़ है, सुहांजना का पाउडर जिसे हम मुरिंगा पाउडर भी कहते हैं जी। स्पर्लिना बहुत बेहतरीन चीज़ है, कैल्शियम में डी न्यूट्रिकल सुपर कैल्शियम है। उसके अलावा कटल बोन फिश का पाउडर बेहतरीन चीज़ है, कैल्शियम सोर्स है। वाइटामिन में सस्ते वाइटामिन अगर आपको चाहिए तो साइमोस्टेस का मल्टीविटामिन बहुत बेहतरीन है। अगर आप महंगे में चले जाएँ तो एवियन प्रोडक्ट्स में आपको वीटाफार्म के बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं और कल्सी लग के भी बहुत सारे विटामिन और कैल्शियम मिल जाते हैं। तो फिर ये चीज़ें जाना ये तो ज़रूरी है बर्ड के लिए, ख़ासतौर पर सीज़न में जी। ठीक हो गया। तो इसके अलावा ये जो पानी, ये अगर आप जाए ना किसी मतलब वो जो छप्पड़ से बने होते हैं वहाँ पानी के ऊपर ना एक ग्रीन ग्रीन कलर की एक जड़ी बूटी उगी हुई होती है, तो क्या वो यूज़ करवा सकते हैं? वो जो अजोला बेसिकली जिस तरह आप स्पायरोलिना कहते हैं ना, स्पायरोलिना और जो अजोला है ना उसको आप ड्राई कर लें तो वो उसमें भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं जी। जी, स्पायरोलिना जो है वो एक समुद्री काई है जो कि समुंदर की गहराई में पाई जाती है, वो तो यूज़ की है, लेकिन जो आप चीज़ बता रहे हैं वो कभी यूज़ नहीं की जी। जी सर, बेसिकली वो ना हम फिश में यूज़ करवाते हैं ये है। जो फिश मतलब अजोला जो है ना वो एक प्लांट है, ठीक, अजोला है, डकवीड है, तो उसमें ना वो मल्टीविटामिन मतलब ये एक इम्यूनो बूस्टर भी है,
तो स्पायरोलिना का आपने नाम लिया तो मुझे याद आया कि वो भी जो है ना हम इसमें यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, आप रिकमेंड कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैंने वैसे कभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, और इसके अलावा और कोई मतलब एडिशन करना चाहें आप? एडिशन ये है कि बर्ड को अंडा ब्रेड दें। जी जी, अंडा ब्रेड फ्राई करके नहीं देना, अंडा उबाल के और ब्रेड को वैसे क्रश करके दे देना आपने। उसके अलावा आप बर्ड को गाजर दें, शिमला मिर्च दें, बंद गोभी दें। सॉफ्ट फूड आपका गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट फूड ड्राई होना चाहिए। आज ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग सीजन में कौन कौन से मतलब ये ब्रीडिंग सीजन में कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि ब्रीडिंग में ताकत बर्ड को जाहिर बात है, फिर ब्रोनिविट जो आपने बताया, फिर इसके ब्रोनिविट टेस्ट तो एक अलग चीज़ है। ताकत के लिए मैं बताता हूँ कि जब आप अंडा देते हैं ना, अंडे की सर्दी में जो होता है ना वो प्रोटीन लेवल हाई होता है, फैट हाई होता है, और जो सफेदी है उसमें प्रोटीन लेवल होता है। तो आप बर्ड को दो अंडे दें तो उसमें से एक जर्दी निकाल लें, वो आप खा लें, और बाकी दो सफेदियाँ और एक जर्दी लें, एक अदर स्लाइस दें। उसके अलावा कनेरी सीड एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन सोर्स है, कनेरी सीड को ऐड कर सकते हैं आप दाने में, उसमें सॉफ्ट फूड में, सॉफ्ट फूड में कनेरी सीड डालने से ना, मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है वो सॉफ्ट फूड में ऑलमोस्ट सारा बर्ड खा लेता है कनेरी को। जी जी, सो ये चीज़ें देनी चाहिए बर्ड को। बाकी कैल्शियम विटामिन तो आपको साथ साथ आपको बता रहा हूँ, पानी में स्पार्क दे दें, बेहतरीन है रेड आई के सर्वाइवल के लिए, स्पार्क बहुत बेहतरीन चीज़ है। जी फ्रेंड, तो हम बात कर रहे थे सर से, काफ़ी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये आपके लिए एक तोहफा है। अगर आपके मज़ीद कोई सवाल जवाब हों तो भाई जो है ना सर का नंबर मैं नीचे दे देता हूँ, सर नंबर दे सकते हैं आप? ज़रूर तो नंबर देखें, पूछना चाहिए तो सर नंबर, ये भी खुशकिस्मत है आप, नंबर जो है ना हम नीचे स्क्रीन में दे देंगे, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन हो सर जो है ना आपको दे देंगे। ठीक है, इसी से मुझे इजाज़त दें, डॉक्टर वक्का साइनिका।